एस के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 23 नवंबर 2021। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप क्लिक करें। ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccigilpinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन्हें भी आप जरूर विजिट करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उन पर भी आप हमारे साथ जुड़िए। फ्रंटियर आईएएस और ssccigilpinnacle ऑनलाइन, इन्हें आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर प्रीवियस क्विज के दो क्वेश्चंस ले रही हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसकी ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया। उत्तर है प्रकाश पादुकोण। और जो दूसरा प्रश्न था कि जो ट्राइफेड आदि महोत्सव है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो एमसी मैरीकॉम। ये हमारे प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस, और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करें, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का आपको नाम दिया गया है और नाम है जोयफ एल्ड्रिस। ओके, किस देश के जोयफ एल्ड्रिस को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये जो व्यक्ति है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका इसको परमानेंट सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर इनकी तस्वीर है। ओके, और इन्होंने किसकी जगह ली है। बहुत बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इस व्यक्ति ने किसकी जगह ली है, खासकर अगर वो एक भारतीय हो तो आपको याद रखना जरूरी है। इन्होंने जगह ली है मनु साहनी की। ओके, नाम लिख रही हूँ आपके लिए यहाँ पर, मनु साहनी की इन्होंने जगह ली है और मनु साहनी ने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखा देती हूँ। अगर आप भारत से जो है भारत से अगर आप ईस्टर्न साइड पर देखेंगे तो आपको साउथ ईस्ट रादर, अगर वहां आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और करेंसी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। दिवस से संबंधित ये प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस 2021 कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। आंसर यहाँ पर बी है। अब देखो इसको मनाता कौन है। साल 1997 से जो मछुआरा समुदाय है, ठीक है, जो मछुआरों के समुदाय है वो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाते हैं। और इसको पहली बार जो है साल 2015 में मनाया गया था। और इस दिन किस बात पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसके महत्व को बढ़ाया जाए और स्थायी मत्स्य पालन सुनिश्चित किया जाए पूरी दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए हमारा आंसर जो है, आंसर यहाँ पर बी है, 21 नवंबर। अगला प्रश्न, इंडिया वर्सेस यूके। ओके, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक ये पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आंसर जो है यहाँ बी है। आपको पुस्तक दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर पुस्तक भी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आपको राइटर भी नजर आ रहे हैं। ये किताब है और इस किताब को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। और किताब किस बारे में है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में भारत की उम्मीदवारी का जो अभियान था उसके बारे में ये सारी की सारी किताब है। उसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए वो सब इसमें कवर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, साल 2025 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जितने भी प्रश्न होते हैं वेन्यू वगैरह से संबंधित कि ये वाले खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, वहां पर उन खेलों का जो है मोटो क्या था, ओके मैस्कॉट क्या था, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हमारा आंसर है उज्बेगिस्तान। आंसर यहाँ पर बी है, बी इज द राइट आंसर। जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है उसने ये घोषणा की है कि ताशकंद जो है वो एग्जैक्टली वो सिटी है, ये होस्ट करेगा 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। अगर आप इंडिया के थोड़ा सा नॉर्थ में और वेस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको ये कंट्री जो है नजर आएगी। कैपिटल यहाँ पर ताशकंद है और जो करेंसी है वो है उज्बेगिस्तानी सोम।
अब जब भी बात होती है ताशकंद की, मुझे डेफिनेटली याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उनका यहाँ पर निधन हुआ था। थोड़ी सी जानकारी आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में दे देती हूँ। ये भारत के जो हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और इनके कार्यकाल के दौरान जो है 1965 का 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ था, और वो जो इंडो पाक वॉर है फाइनली वो जो है ताशकंद समझौते के साथ वो जो है उसकी समाप्ति मानी गई थी, लेकिन उस समझौते के एक दिन बाद ही इनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। मैं आपसे दो प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगी। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने भारत रत्न दिया है? क्या उनका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है? और दूसरा प्रश्न ये है कि उनकी मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। और साथ ही हमारा ये जो प्रश्न था ये खेलों से संबंधित था, तो आप मुझे ये भी बताइए, हाल ही के वीडियो में मैंने आपको कराया है कि चैंपियंस ट्रॉफी, ओके, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2025 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कौन सी कंट्री में उसका वेन्यू है? आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी। आपको एक हिंट देती हूँ कि यहाँ पर बहुत सालों के बाद जो है कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाओ। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस एल्पाइन स्कीयर ने बेजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? ये प्रश्न है आपके सामने और यहाँ पर आंसर है आरिफ खान। आरिफ खान आंसर यहाँ पर भी है। आरिफ खान जो है ये जम्मू और कश्मीर से एक एल्पाइन स्कीयर है, इन्होंने क्वालिफाई किया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए। 2022 के विंटर ओलंपिक्स, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022, सभी शब्द ध्यान से सुनिए, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस से संबंधित ये प्रश्न है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, और इसके लिए हमारा आंसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। बी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश प्रथम आया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में, ओके। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर टू पोजीशन पर कौन है? नंबर टू पोजीशन पर हमारा तेलंगाना है, और असम जो है वो नंबर तीन पोजीशन पर है। अब यहाँ पर आप बिहार भी देख रहे हैं ऑप्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार जो है वो सबसे पीछे हैं, वो सबसे पीछे हैं इस इंडेक्स में, ठीक है। जब भी इंडेक्स वगैरह होते हैं तो आप जरा ध्यान दें उन पर। और जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है नॉर्थ दिल्ली का, नाम लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन नॉर्थ दिल्ली का है, इसको हमारे देश का बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन माना गया है। और ये सारे का सारा जो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है इसको तैयार किसने किया है? इसको तैयार किया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमने बात की है आंध्र प्रदेश की, राइट, आंध्र प्रदेश टॉप था, तो लीजिए आंध्र प्रदेश के बारे में आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश नजर आएगा। सरिसेलम डैम कृष्णा नदी पर, सोमसीला डैम पेन नदी पर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर पापीकोंडा नेशनल पार्क, सरिसेलम टाइगर रिजर्व और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। कैपिटल यहाँ पर आपको दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगले प्रश्न पर आओ। किस राज्य ने 2021 में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जीता है? के लिए हमारा आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश है। ये 2021 में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड फिशरीज डे, ओके, तो वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन जो है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने भुवनेश्वर में ये अवार्ड्स दिए हैं, और आंध्र प्रदेश जो है ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार इनको मिला है। आंध्र प्रदेश ने बेस्ट मेरीटाइम स्टेट अवार्ड भी जीता है। तेलंगाना ने कौन सा अवार्ड जीता? उन्होंने बेस्ट परफॉर्मर इन इनलैंड फिशरीज का जो अवार्ड है वो जीता है तेलंगाना ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो गए हैं जिनका नाम है ABD Villiers। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। आप बताएं कि ये कौन से देश के पूर्व कप्तान है? इनफैक्ट ये अपनी कंट्री की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। बताइए ये कौन सी कंट्री से हैं? तो आंसर है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, ओके, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैं ये ABD Villiers, और इन्होंने हर प्रकार के क्रिकेट
से जो है अब रिटायरमेंट ले लिया है, वैसे ये इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए जो है खेलते थे। तो आंसर यहाँ पर हमारा सी होगा। ओके, बात हो रही है क्रिकेट की, आप मुझे बताइए कि 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा, उन कंट्रीज के नाम बताइए जहां पर ये आयोजित होगा। अब बात हो रही है अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, लीजिए मैप में देख लीजिए कहाँ पर है साउथ अफ्रीका। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखेंगे उसमें अगर आप सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक कंट्री नजर आएगा साउथ अफ्रीका। कैपिटल है, इसके तीन कैपिटल्स हैं। ओके, एक तो है प्रिटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है और एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी है यहाँ पर साउथ अफ्रीकन रैंड। ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये एक ऐसा कंट्री है जिसके भीतर दो देश लोकेटेड है, जिसके भीतर दो देश लोकेटेड हैं। आप मुझे उन टू कंट्रीज का नाम बताइए कि इसके अंदर कौन से टू कंट्रीज लोकेटेड हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है मणिपुर। कहाँ पर लोकेटेड है ये संग्रहालय? आंसर जो है हमारा वो है मणिपुर। ओके, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आधारशिला रखी गई है। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको वहां पर जो मॉडर्न इंडिया वाली हिस्ट्री है उसमें रानी गैदनल्लू के बारे में जानकारी है, स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारा ए है। ये देखिए यहाँ पर आपको मणिपुर नजर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत छोटा सा राज्य है हमारा मणिपुर। हियर इट इज लोकेटेड। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, शिरुई नेशनल पार्क है, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर ला गणेशन है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। शिरुई लिली फेस्टिवल और शंघाई फेस्टिवल यहीं पर आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कतर फॉर्मूला। ओके, कतर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसको हाल ही में किसने जीता है? ये प्रश्न है आपके सामने, और जीतने वाले व्यक्ति का नाम है लुइस हैमिल्टन। आंसर यहाँ पर भी है, लुइस हैमिल्टन ने ये पहला कतर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। मैक्स वेस्टरपेन, ओके, ये जो है, ये वाला नाम आपको जो नजर आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पर थे, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पर थे, और फर्लांडो ऑल्सो ये जो है ये थर्ड पोजीशन पर। ये थी जानकारी आज के सभी 10 प्रश्नों के बारे में। आइए अब मैं आपको कीवर्ड्स के माध्यम से सारा वीडियो रिवाइज करवा देती हूँ। जेफ एल्ड्रिस जो हैं ये सीईओ बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, और ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया से हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे हम मनाते हैं 21 नवंबर को। इंडिया वर्सेज यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, इस पुस्तक के राइटर हैं सैयद अकबरुद्दीन। 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है ये उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। इंडियन अल्पाइन स्कीयर बीजिंग, इंडियन अल्पाइन स्कीयर जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई हुए उनका नाम है आरिफ खान। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप रैंक मिला आंध्र प्रदेश को। बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड 2021 का वो भी आंध्र प्रदेश बना। ए डी विलियर्स अब क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। रानी गैदनेलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम ये मणिपुर में स्थापित है, और कतर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये देखिए यहाँ पर क्विज फॉर द डे है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आप बताइए। और विश्व मत्स्य दिवस 2021 ये कब मनाया जाता है? दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।